मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आइसक्रीम बेस कैसे बनाएंगे, उसी बेस से हम आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। आइए, कटे हुए मैंगो, फ्रेश मैंगो चाहिए इसमें हमें। अब आइसक्रीम बेस से हमने छोटे छोटे पीस काट कर चाकू की सहायता से एक टिन में रख दिया। अब इसे चाकू से अच्छे से काट लेना है, जिससे हमारा फेंटने में मदद करे। अब बीटर की सहायता से फेंटना हम शुरू कर रहे हैं। एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार होगा। इस बेस से हम आधा लीटर दूध के बेस से आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा बेस किस फिट फिट के एकदम स्मूथ हो रहा है। ये आइसक्रीम बेस हम आधा लीटर बेस से ही बना रहे हैं, जिससे हमारी आइसक्रीम तैयार होगी एक से सवा लीटर तक की। हमारे बेस में एक भी गुठली नहीं होना चाहिए, जिससे हमने काटा है बेस बिल्कुल फिट जाना चाहिए। ये हमारा बेस फिट करके कम से कम 3 गुना दिखने लगता है और एकदम हल्का हो जाता है। अब इस मिश्रण को इतना फेंटना है हमें, ये बिल्कुल फूल कर 3 गुना दिखने लगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएं और फेंटें, बहुत फेंटना है इसे। अब इस आइसक्रीम बेस से हम कई तरह की आइसक्रीम बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें मैंगो आइसक्रीम ही आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसा फट एकदम फिट फट कर अच्छा हो गया हमारा ये बेस, बिल्कुल हल्का क्वांटिटी हो जाती है इसकी बेस की। हमारे फिटने के बाद ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा और हमारा जो जार है वो भर जाता है। इसमें ऊपर से कुछ नहीं मिलाना है अपन को फेंटते समय, सिर्फ फेंटना ही है बस। बीटर की सहायता से फेंट सकते हैं, नहीं तो हाथ से जो आती चकली वाली मशीन उससे भी फेंट सकते हैं। हाथ की मसानी आती उससे भी फेंट सकते हैं, लेकिन उसमें नीचे बर्फ रखना है, जिससे हमारा पेस्ट अच्छे से फेंटे। बीटर से तो हम जल्दी ही जल्दी फेंट लेते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम लगता है। देख रहे हैं आप कितना स्मूथ पेस्ट हो गया है हमारा तैयार, अच्छी तरह से फेंट। अब इसमें हमें मैंगो कटे हुए डालना है, चाहे तो आप इसका पल्प भी डाल सकते हैं मैंगो का, मिक्सी में फेंट कर और डाल लें। आप चाहें तो इसमें मैंगो क्रश आता मार्केट में, उसे भी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से फेंटना है 1 मिनट के लिए। आप देख रहे हैं हमारा ये मैंगो पल्प मिल गया है अच्छी तरह से। अभी हमारा जमने के लिए तैयार है। अब तिन लें और उसमें जमने के लिए रख देते हैं। इसे हम एल्यूमिनियम फाइल से कवर करेंगे और ऊपर से ढक्कन लगा सकते हैं, या एयर टाइट कंटेनर में भी आप रखकर इसे जमने रखें। अब तैयार हो गई आपकी मैंगो आइसक्रीम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं ये हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई, जमकर 5-6 घंटे में हमारी तैयार हो गई आइसक्रीम जमकर। आप सर्व करें इसे, बनाएं खिलाएं सभी को।
Yeah.